खातेगांव कन्नौज सतवास संयुक्त रूप से जिला बने इस मांग को लेकर नगर सतवास के रेवासिस गार्डन में पत्रकार संघ की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में तीनों तहसील के पत्रकार शामिल हुए। जिला बनाव समिति के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि खातेगांव कन्नौज सतवास को संयुक्त रूप से जिला बनाने के लिए हमने पहली कड़ी में पत्रकारों के माध्यम से लोगों में जागरूकता लाने की कोशिश की है। कन्नौज खातेगांव सतवास तीनों मिलकर इस लड़ाई को आगे लेकर जाएंगे। हम दूसरी कड़ी में जनप्रतिनिधियों और तीसरी कड़ी में जन आंदोलन के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगे। जानू मेरी भाषा का, सारे जग में फैल रहा है जानू मेरी भाषा का, नई कीर्ति गढ़ता हिंदुस्तान बनाती है हिंदी, नई कीर्ति समक्ष माई को आराध्य मानते हुए यह शपथ लेता हूं कि हम सब पत्रकार साथी कन्नौज खातेगांव सतवास संयुक्त को संयुक्त जिला बनाने के लिए सहमत है। हम इससे इधर नहीं जाएंगे। जो बात हमने प्रस्ताव बनाकर यह साइन करी है उसमें हम हमेशा सरस्वती माता की वंदे भारत माता की। सतवास नगर में हमने सतवास खातेगांव कन्नौज तीनों ब्लॉकों की संयुक्त मीटिंग रखी है। इनमें हमने मिलकर ये प्रस्ताव पारित किया है कि जिला बनाओ समिति हम मिलकर लड़ेंगे, और जो नेमार में हमारी पहले मीटिंग हुई थी उसी मीटिंग को आगे बढ़ाते हुए हम इस लड़ाई को आगे तक ले जाएंगे। पहली कड़ी में हमने पत्रकारों ने मीटिंग रखी है, दूसरी कड़ी में हम जनप्रतिनिधियों को बुला के मीटिंग रखेंगे, और तीसरी कड़ी में हम जन आंदोलन करेंगे। हम किसी भी हालत में सब मिलके पत्रकारों के मार्गदर्शन में इस लड़ाई को आगे ले जाएंगे, और किसी भी हालत में हम जिला बनाएंगे। जय हिंद। जो नेमार में मीटिंग हुई थी उसका पूर्ण रूप से पालन होगा। कन्नौज खातेगांव सतवास मिलके जिला बनेगा, जो किसी कीमत पर नहीं रुकेगा। अगर गलती से बागली बनाया जाता है तो हम उसका बहुत सख्त विरोध करेंगे। जय हिंद। एक ऐसे जिले का गठन का प्रस्ताव इसमें बनाया गया है जिसमें जो मुख्यालय होगा वो खातेगांव होगा, एसपी ऑफिस जो होगा वो कन्नौज होगा, जिला पंचायत कार्यालय जो है वो सतवास होगा। इस प्रकार ये तीनों तहसीलों को मिलाकर एक बड़ा जो है एक जिला बन सकता है, क्योंकि देवास से इसकी दूरी काफ़ी ज़्यादा है। लगभग खातेगांव से देवास की दूरी 135 किलोमीटर के आसपास है, वहीं कन्नौज से ये समझ लीजिए कि 115 के आसपास है। तो कहीं ना कहीं जो है बागली को इतने जिले की आवश्यकता नहीं है जितना जो है खातेगांव कन्नौज सतवास को है। और खातेगांव कन्नौज सतवास वैसे भी जो है बहुत मामलों में पिछड़ा हुआ है, डेवलपमेंट की दृष्टि से भी हम बहुत पीछे हैं, और वो जो योजनाओं का उतना फायदा हमें नहीं मिल पाता जितना कि मिलना चाहिए। तो इसलिए जो है हम लोगों ने संयुक्त रूप से एक ऐसा मसौदा तैयार किया है जो प्रशासन के पास हम भेजेंगे, और हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं कि बागली को जिला ना बनाया जाए। हमें उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, हम विरोध इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो उनका हक है, लेकिन ये हमारा भी हक है, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है काफ़ी जो है संपन्न क्षेत्र है इस मामले में, और वो हर कसौटी हर जो है परिस्थिति में सुटेबल बैठता है, चाहे वो रेवेन्यू की ज़मीन हो, चाहे वो टैक्सेशन हो, चाहे हर प्रकार की जो भी चीज़ें हैं उसमें खातेगांव कन्नौज सतवास से परफेक्ट बैठता है जिले की उसमें। और इसलिए हम लोगों ने मसौदा तैयार किया, आगामी दिनों में हम मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, उन्होंने बताएंगे कि इसे जिला बनाया जाए। हमारे सतवास नगर में पूर्व में भी हमारी मीटिंग हुई थी कन्नौज खातेगांव सतवास संयुक्त रूप से जिला बनाने के संदर्भ में। आज पत्रकार समस्त कन्नौज खातेगांव सतवास तहसील के पत्रकारों की एक मीटिंग सतवास में आयोजित की गई थी। इस संदर्भ में पहले भी हमने पूर्व में मीटिंग की गई थी, नेमावर में हमने कोरोना के कारण डेढ़ साल पहले मीटिंग हुई थी, उसमें ये प्रस्ताव सबने मिलकर पास किया था कि संयुक्त जिला बनाया जाए। और आज की बैठक में यह तय किया गया जो नेमावर में मीटिंग हुई थी संयुक्त जिला बनाने की उसे जारी रखा जाए। उस संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी से हम अतिशीघ्र मिलने वाले हैं, लगभग सोमवार या मंगलवार में समय जो सब मिल जाएगा मिलेंगे,
और यही प्रस्ताव पास किया गया कि हम बागली में किसी भी हालत में मिलना नहीं चाहते, हम उसका विरोध करते हैं। या बागली जिला बनता तो हम उसमें नहीं जाएंगे, जहां देवास में हम देवास में रहना पसंद करें और हम आतिशी मुख्यमंत्री मिलेंगे।